सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णा सौरभ एंड जय हिंद गाइस एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सौरभ एसोसिएट्स। और आज हम मेसने प्रॉफिट के बारे में जानते हैं कि मेसने प्रॉफिट क्या है और हम इसे एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, मेसने प्रॉफिट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 12, एक्चुअली हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लाइक जैसे सपोज करिए, एक फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। अब वो जो फर्स्ट पार्टी की वो जो जमीन है, जो उसका जो रियल ओनर है, और वो जो सेकंड पार्टी है, उस जमीन पे वो इलीगल कब्जा कर लेता है और उस पे वो अपना कुछ अर्निंग का काम शुरू करता है। जैसे मान लो वो अपना कोई फार्मिंग करता है या कुछ और काम करता है। अब उसके चलते मतलब वो तो वो एक मेसने प्रॉफिट के उसमें क्लेम किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो रियल ओनर है वो मैसने प्रॉफिट उसे क्लेम कर सकता है, या फिर जो सेकंड पार्टी है उस पे इलीगल कब्जा तो कर लेता है लेकिन कुछ अर्निंग नहीं कर पाता, ठीक है। उसमें उसमें से कुछ अर्न नहीं कर पाता, तो फिर भी वो मैसने प्रॉफिट काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि सेकंड पार्टी के वजह से फर्स्ट पार्टी उस जमीन पे अपना कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है और उस जमीन पे फर्स्ट पार्टी के सारे राइट खत्म हो गए उस सेकंड पार्टी के वजह से, ठीक है। तो फिर ये माना जाएगा कि मतलब उसे कंपनसेशन के रूप में रियल ओनर को वो मैसने प्रॉफिट दे, अब चाहे उसने अर्निंग की हो या ना की हो, ठीक है। और वो जो मैसने प्रॉफिट है वो कुछ नहीं है, बस एक कंपनसेशन अमाउंट होता है, राइट। अब हम इसको इसके मदद से समझते हैं। मेसने प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड ओनली इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे अचल संपत्ति, ठीक है, लाइक लैंड, हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। और वो जमीन कोई भी हो सकती है, हाउस की हो सकती है, या कोई वैसा कोई खाली जमीन हो सकती है, या कोई फार्मिंग पर्पस के लिए कोई जमीन हो सकती है, ठीक है। अब इसमें अब हम चलते हैं मीनिंग की तरफ, ठीक है। जो मैंने आपको अर्लियर एग्जाम्पल देके समझाया था, इसमें भी वही बात कह रहा है, ठीक है। जो सेकंड पार्टी है उस फर्स्ट पार्टी के जमीन के ऊपर कुछ रॉन्गफुल पोजेस कर लेता है उसके जमीन के ऊपर, और उससे वो कुछ अर्न करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। उससे वो कुछ रिसीव करता है या नहीं रिसीव करता, ठीक है। तो वो फिर भी मैसने प्रॉफिट ही माना जाएगा, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद मतलब समझते हैं, ठीक है। लाइक जैसे ये ए है और वो इस जमीन का मालिक है, ओनर है, लेकिन वो रहता है यूएसए में, वहां पर अपना वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये जो बी है पीछे से मौका देकर इसके जमीन पर अपना मतलब इलीगल कब्जा कर लेता है और इस जमीन पे अपनी फार्मिंग करता है, और मान के चलिए इस जमीन से ये 80,000 कमा रहा है, ठीक है गाइस, और वो भी साल का कमा रहा है। अब ये बात ए को पता चलती है, अब ए आता है और इसके खिलाफ कोर्ट में फाइल करता है और इससे फिर मैसने प्रॉफिट भी क्लेम करता है। तो फिर कोर्ट इसे यह आदेश दे दिए कि आप इसकी जमीन को सही सलामत ए को वापस कीजिए, साथ में कंपनसेशन के रूप में जो मैंने आपको पहले बताया था इसको 80,000 भी वापस कीजिए, ठीक है। तो ये है पूरा मैसने प्रॉफिट। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट, बट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट। अब भाई कौन सा प्रॉफिट नहीं इंक्लूड किया जाएगा इस ए को? वो प्रॉफिट जो मतलब इम्प्रूवमेंट से बनी हो, मेड बाय पर्सन इन द रॉन्गफुल पोजीशन, ठीक है। अब जिस पर्सन ने रॉन्गफुल पोजीशन उस जमीन पे किया हो और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी क्या हो, तो वो चीज ए मतलब क्लेम नहीं कर सकता मैसने प्रॉफिट के रूप में। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद मतलब समझते हैं, ठीक है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए है, वो एक ओनर है और वो यूएसए में वर्क करता है, लेकिन बी उसके पीछे से उस जमीन पे इलीगल पोजेस कर लेता है और वो साल का 80,000 की अर्न करता है, ठीक है। अब मतलब मैंने जैसा बोला, लेकिन उसके साथ साथ अब वो ये सोचता है कि मैं साल में तो 80,000 की अर्निंग तो मेरी आ ही रही है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर एक दो रूम खोल लेता हूँ छोटे छोटे
और वो भी 5,000 के। ठीक है, अब इसने 5,000 के दो रूम खोल दिए। ठीक है, यानी कि मैंने जो स्टेटमेंट में बोला था, यानी कि उसने उस जमीन पे कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ चीज कुछ चीज डेवलप किया है। ठीक है, अब जब ए जब इसके खिलाफ कोर्ट में फाइल करता है, तो ए इस 80,000, तो फिर जब कोर्ट इस बी को आदेश देती है, तो 80,000 जो अर्निंग कर रहा था बी, तो कंपनसेशन के रूप में ए को देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 5,000 की जो अर्निंग बी करा था, ये बी अपने पास में रख सकता है, क्योंकि ये माना जाएगा कि बी ने इस जमीन पे कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो ये जो 5,000 ईच है, ये 5,000 ईच बी अपने पास में रख सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 80,000 है, इस 80,000 को ए को वापस करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन। राइट, अब आपको अगर यहां तक समझ में आ गया हो, तो अब चलते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स में क्या लिखा है। ठीक है, सो एवरी पर्सन हैज ए राइट टू पोजेस हिज प्रॉपर्टी, यानी कि हिज लैंड पे उसका मतलब राइट है कि वो वापिस से अपना पोजेस कर सकता है। लेकिन जब कभी भी उसका उसका राइट अगर कोई डिप्राइव कर लेता है, यानी कि उसकी जमीन पे कोई इलीगल कब्जा कर लेता है या उसकी जमीन छीनना चाहता है, जैसे आपने मोस्टली इंडिया में देखा होगा कि मतलब जो हम जैसे अपनी जमीन पट्टे पर दे देते हैं, और वो मतलब पट्टे के साथ साथ वो जो आदमी है वो मतलब उस जमीन पे अपना इलीगल कब्जा कर लेता है। ठीक है, ऐसे बहुत से केस हैं। सच राइट विच बाय अनदर पर्सन ही इज नॉट ओनली एंटाइटल टू रिस्टोर हिज पोजिशन, अगर कोई इसका जमीन छीनता है या कोई पोजेस करता है, तो रियल ओनर के पास राइट है कि वो वापिस से अपनी जमीन ले सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो मतलब उसको जो डैमेज पहुंचा है, तो वो भी मेसने प्रॉफिट के रूप में क्लेम कर सकता है एज ए कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन पेड टू रियल ओनर। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, अगेंस्ट हुम मेसने प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड। ठीक है, रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट इज द एसेंस ऑफ क्लेम फॉर मेसने प्रॉफिट्स एंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ द डिफेंडेंट्स लाइबिलिटी। देयरफॉर एज ए रूल, देयरफॉर जनरली ए पर्सन पर्सन ही है। ठीक है, पर्सन इन रॉन्गफुल पोजिशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ इवर प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर मेसने प्रॉफिट। इट इज क्लियर दैट मेसने प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड विद द रिगार्ड टू इवर प्रॉपर्टी। अच्छा, जैसे जो डिफेंडेंट है, जो मतलब प्लेंटिफ के जमीन पे इलीगल कब्जा कर लेता है, और या तो वो उस पे कुछ अर्निंग करता है या नहीं करता, फिर भी मतलब उसके खिलाफ मेसने प्रॉफिट का मुकदमा क्लेम होगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये 5 पर्सन है। ठीक है, 5 पर्सन है, मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिए, और एक रियल ओनर है। ठीक है, अब ये जो 5 पर्सन है, एक ही जमीन पे इलीगल कब्जा कर लेता है, लेकिन उनमें से कोई एक एक ही जमीन पे कुछ अर्निंग शुरू करता है। ठीक है, जैसे मान लो वो एक अपना फार्मिंग करता है। ठीक है, तो उसके जमीन पे वो फार्मिंग करता है, फिर भी जो मैसने प्रॉफिट का जो क्लेम है, वो उन 5 पर्सन के खिलाफ ही क्लेम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन 5 पर्सन ने मिलके एक ही जमीन पे इलीगल पोजेस किया है। ठीक है, जिसके चलते एक को नुकसान हुआ है, सफर लॉसेस। ठीक है, तो इसमें इतनी बात लिखी है। हाँ, अब ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में भी
यही बात कह रहा है जो मैंने आपको अर्लियर बताया। अब चाहे वो उसके जमीन पे कुछ अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कंपनसेशन के रूप में रियल ओनर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ए के पास में राइट है कि वो अपनी जमीन को वापिस ले सकता है, ठीक है, डिस्पोजिशन ऑफ डिग्री होल्डर, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस बिफोर डिस्पोजिशन ऑफ डिग्री, यानी कि वो अपना जमीन वापिस ले सकता, अपना मालिकाना हक उस रॉन्गफुल पोजीशन वाले से वापिस ले सकता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट ये लिखा है, यूज टू विच डिग्री होल्डर वुड पुट ए प्रॉपर्टी इफ ही हिमसेल्फ ए पोजेशन, ठीक है। तो इसमें भी वही बात लिखी गई है। और आप अगर चाहते हैं तो वीडियो रोक कर आप इस पूरे पॉइंट को लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पर। तो आज का अपना सेशन यहीं तक था, और अगर आपको हमारा सेशन समझ में आया हो, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो, ठीक है। और मैं आपको राइट टू एविडेंस से रिलेटेड, मैं आपको एविडेंस एक्ट से रिलेटेड आई बटन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप अपना एविडेंस एक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना सेशन यहीं एंड करते हैं, जब तक लिए जैन गैस एंड यस गॉड ब्लेस यू ऑल।